कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आज अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि 28 दिसंबर 1885 में ब्रिटिश राज के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय वंदे मातरम गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और जिसके पश्चात कांग्रेस पार्टी ने सेवादल का ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह बोगी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह ने कांग्रेस के स्थापकों के बारे में बातचीत की और उनके कई किस्से सुनाते हुए मीडिया से रूबरू हुए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्थापना दिवस 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी और इससे एक लंबी सुनिहित लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आज़ादी की चली। पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा, कोई साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सुनिहित धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आज़ादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभव की भावना, सब धर्म को जोड़ करके आंदोलन किया गया, जाति धर्म के नाम पर नहीं था और इसी वो आंदोलन में विलंब से सफलता मिली, लेकिन मिली उसी विचारधारा को जोड़ करके। साउथ अफ्रीका से बाद में गांधी जी भी उसमें 1915 में फिर शामिल हुए, फिर उन्होंने भी उसमें योगदान दिया और अहिंसा का मार्ग पर चल करके सद्भाव सम्मान करके कांग्रेस ने जो देश को आज़ादी दिलाई उसमें बहुत घर बर्बाद हुए, तबाह हुए, कितनों को फांसी की सजा हुई, कितनों को गोलियों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों की, तो देश आज़ाद हुआ।